वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त 2023, और 2 अगस्त 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इग्गा स्विस्टिक्स ने वर्सा में WTA का खिताब जीता है, और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास ये लाइव मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और मंथली क्लास आपको मिलती है। जैसे अब कल मैंने पूरे जुलाई मंथ की आपको क्लास बढ़िया तरीके से दे दी है, वो आप क्लास बढ़िया तरीके से देख लें, क्योंकि लगभग मैंने 195 क्वेश्चन करवाए हैं। पूरे जुलाई मंथ का निचोड़ मैंने आपको करवा दिया बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन आएगा उससे बाहर आपका जुलाई मंथ से क्वेश्चन बाहर है नहीं जाएगा। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ ताजा आपको मात्र 15 या 16 मिनट की ये क्लास आपको डेली मिलती है। तो स्टार्ट करें, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आते उनको सब्सक्राइब करें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल के अंदर किस टीम को हराकर चैंपियन बनी, तो फाइनल में रहा स्पेन, स्पेन की टीम को। किस राज्य सरकार ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया, तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा, तो ये करेगा केरल राज्य के अंदर। किस केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो ये हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। SBI रिसर्च के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, तो ये बनेगा 2027 तक। PM मोदी ने किस राज्य की यात्रा के दौरान किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, तो ये उन्होंने राजस्थान की यात्रा के दौरान। कौन सी भारतीय अमेरिकी महिला US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि DFC की डिप्टी CEO बनी है, निशा बिस्वाल। किस राज्य के किस तवा में मचेल माता यात्रा शुरू हुई, तो ये हुई है जम्मू कश्मीर में। हाल में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये है महाराष्ट्र। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और लगभग आज या कल तक पूरे जुलाई मंथ की PDF तैयार हो जाएगी, भी पूरे फैक्ट के साथ, पूरे मुख्य तथ्य के साथ जुलाई मंथ की PDF तैयार हो जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहे तो 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। पूरे हमारे जो मंथ की PDF अगर लेना चाहे तो 10 रुपये आपका चार्ज लगेगा, इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप PDF प्राप्त कर सकते हो, बाकी इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट करें, ताकि आपको पूरी जानकारी इस पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें, एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और ये टेस्ट सीरीज चल रही है भी हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर, इसमें लगातार आपको टेस्ट मिल रहा है, पूछे गए RSSMB द्वारा, RPSC के द्वारा जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, और आगामी जो एग्जाम होंगे वो भी साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलती जाएगी मात्र 100 रुपए के अंदर। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, हाल ही में किस शहर में देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन होगा, लगा लो स्टार, एग्जाम के अंदर टपकेगा, हो सकता है सूचना सहायक के अंदर भी टपक सकता है, संगणक के एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो किस शहर में देश की पहली यानी कि देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कांग्रेस का आयोजन होगा, कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर, क्योंकि पहली बार इसका जो आयोजन है, मेजबान देश कौन है, वो है भारत, ठीक है, मेजबान देश है भारत है, और भारत के अंदर इसका आयोजन होगा, बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। देखो, भारत में पहली बार 5वां वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में किया जाएगा। कब से कब तक है, 25 से लेकर 28 तक किया जाएगा, यानी कि भारत के अंदर ये पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन कर रहा है, और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो वर्तमान में बताया, इस जो वर्ल्ड कॉफी यानी कि विश्व कॉफी का जो आयोजन है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, और इसका 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा, और भारत है वो की बार पहली बार इसकी मेजबानी करने
जा रहे। तो आयोजन कहां पर होगा? बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में असम विधायिका सभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? यानी कि असम के अंदर है विधानसभा, आपको पता है, तो नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला ने। किसने किया है? तो ये यहाँ पर खड़े हैं तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला और उन्होंने असम के अंदर नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। किसने? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने। देखो, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जुलाई को गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हैं असम के हिम्मत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में असम विधायिका सभा के नए भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिम्मत बिस्वा सरमा। और असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया, जो आपको राजस्थान से जो प्रतिनिधि थे ना गुलाब चंद कटारिया, तो आप जानते होंगे। तो इस विधानसभा का जो है स्थापना कब हुई सबसे पहले? तो 7 अप्रैल 1937 को। सीटें कितनी इसके अंदर है? 126। और अपने राजस्थान में कितनी है? 200 सीटें विधानसभा की। और सदन के अध्यक्ष कौन है? विश्वजीत सिंह देमारी, भाजपा से इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ये असम की विधानसभा की बात हो रही है, ध्यान रखना, कहीं यहाँ पर राजस्थान की मत सोच लेना। तो असम विधानसभा की बात है जिस नया विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने। हाल ही में इग्गा स्विस्टिक्स ने वर्षो में WTA खिताब जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये तस्वीर के अंदर आप मुझे बताओ जल्दी से कि इनके हाथ में ये किस खेल की खिलाड़ी है, और ये पता लगा सकते हो आप तस्वीर में। तो इग्गा स्विस्टिक्स ने वर्षो के अंदर WTA खिताब जीता और ये है टेनिस की खिलाड़ी। किसकी खिलाड़ी है? टेनिस की खिलाड़ी है। देखो, इग्गा स्विस्टिक ने अपने वर्ष के चौथे WTA खिताब को हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पोलिश टेनिस खिलाड़ी ने फाइनल में अपना दबदबा दिखाते हुए जर्मनी की लोरा सिंगेमुंड को हराया है। ठीक है, नाम देखो, लोरा सिंगेमुंड, इसको हरा दिया। तो पोलिश टेनिस खिलाड़ी है इग्गा स्विस्टिक, इसने फाइनल में किसको हराया? लोरा सिंगेमुंड को हराया है। WTA पोलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट वर्सो पोलैंड में आयोजित होता है। जो ये WTA पोलैंड जो टूर्नामेंट है ना, ये लगभग है तो वर्सो पोलैंड में इसका आयोजन किया जाता है। तो अब की चौथे वर्ष में WTA का खिताब इग्गा स्विस्टिक ने जीता है, टेनिस के खिलाड़ी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर कंपाउंड इवेंट के चैंपियन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर भारत के हैं संगमप्रीत सिंह बिस्वाला और अवनीत कौर, इन्होंने कंपाउंड इवेंट के ये चैंपियन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है, आपको बताया, तीरंदाजी के खिलाड़ी। दोनों किसके हैं? दोनों ही तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। देखो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर कंपाउंड इवेंट के चैंपियन बने हैं। दोनों खिलाड़ियों के गोल्ड की बदौलत तीरंदाजी में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसका मतलब यह है भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर क्या है, भारत ने जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया वो किसके अंदर, किस खेल में किया? तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने तीरंदाजी में 3 गोल्ड समेत 7 मेडल हासिल किए हैं। तो इसके अंदर 7 मेडल हासिल किए, इसमें से 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज में इसके अंदर शामिल है। तो टोटल कितने? 7 मेडल हासिल किए, जिसमें 3 गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। किसने? कहां पर किया? तो ये किया है इन्होंने लखनऊ के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जुलाई को लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन अनेक्स में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उन्होंने उद्घाटन किया है। सामान्य जनता की समस्याओं के लिए समय पर समाधान प्रदान करने और सरकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इसका जो है, मतलब पहला इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जनता की समस्याओं के लिए समय पर समाधान प्रदान करना और सरकारी योजनाओं को बेहतर कार्यान्वयन ढंग से उनको सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक बन चुके हैं, ये हैं गणेशन कनबीरान। कौन है? गणेशन कनबीरान, ये हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण के नए निदेशक बने
चूंकि तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये है गणेशन कनबीरान और ये राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण NACC ने प्रोफेसर गणेशन कनबीरान को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। NACC का मतलब है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण की ओर से नई नियुक्ति 28 जुलाई को उनकी हो चुकी है, यानी कि 28 जुलाई से इनकी नियुक्ति हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, हाल में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की घोषणा किसने की है? हाल ही में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना किसने की? तो ये की है, ध्यान रखना, घोषणा कर दी है सेबी ने। किसने कर दी है? सेबी ने इसकी घोषणा कर दी है। सेबी ने कहा कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की जाएगी। देखो मुख्य तथ्य, 27 जुलाई 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, जिसका पूरा नाम है सेबी, क्या बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष यानी कि CDMDF की स्थापना की घोषणा की। इसका मतलब यह है कि कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि का प्राथमिक उद्देश्य है बाजार तनाव की अवधि के दौरान बाजार प्रतिभागियों के बीच में विश्वास पैदा करना, यानी कि बाजार से संबंधित तनाव की अवधि के दौरान जो बाजार के प्रतिभागी उनको विश्वास दिलाना, इसके लिए उन्होंने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की घोषणा की। किसने? सेबी की। और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। नाम सुना होगा ना आपने, माधवी पुरी बुच है, ये वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया? तो ये गृह मंत्री अमित शाह ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने। संघीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने रामेश्वर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है। संघीय गृह मंत्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर मिशन ऑफ लाइफ गैलरी म्यूजियम और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय स्मारक का दौरा भी किया गया। तो अभी 2-3 दिन पहले ही क्या राष्ट्रीय जो APJ अब्दुल कलाम है उनका जो पुण्यतिथि बनाएगी, उनके घर मिशन ऑफ लाइफ गैलरी म्यूजियम और उनके घर पर उन्हें राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया। तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल नेवर डाई पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। अमेजन इंडिया ने किस शहर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है? तो अपने इंडिया के अंदर क्या है, कंपनी है अमेजोन, उसने किस शहर के अंदर डल झील, अब डल झील से आप पता लगा सकते हो डल झील है कहां पर है, तो उन्होंने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया, तो ये किया उन्होंने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहां पर है डल झील? कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर कहां पर है? श्रीनगर के अंदर है। किसने किया? ये किया है अमेजोन इंडिया ने। देखो अमेजोन इंडिया ने श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने फ्लोटिंग स्टोर का उन्होंने उद्घाटन किया। बस एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अमेजोन इंडिया ने श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर पहले फ्लोटिंग स्टोर का उन्होंने उद्घाटन किया है। बस एक पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, लगभग 11,000 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू आपको सुबह मेरी 6 बजे ये करंट की क्लास मिलती है। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर पूरे साल की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आपको लगातार टेस्ट मिल रहा है। संडे के दिन जो आपको वीकली क्लास मिलती है, कंटिन्यू आपको क्लास इसमें मिल रही है, टेस्ट भी मिल रहा है, PDF भी आपको इसके अंदर मिल रही है। उसके बाद में सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें भी आपको राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स का सुपड़ा सा भी एक फतेह सीरीज वाली टेस्ट सीरीज चल रही है। और अभी इसका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, और जब अब मैं अलग अलग आपके लिए खेल पुरस्कार, ठीक है, युद्ध अभ्यास, वर्तमान में कौन क्या, अब अलग अलग से क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये जितने भी मैं क्लास अलग से करवाऊंगा उसकी टेस्ट सीरीज आपको, ताजा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरा आपको करंट है जो खेल खिलाड़ी पुरस्कार पूरा आपको मिलेगा, और टेस्ट सीरीज में भी आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि एग्जाम इसका नजदीक है, इसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से, और ये सभी के सभी जो आपको संगणक की तैयारी कराए उसके अंदर भी आपको टेस्ट मिल जाएगा, और जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी आपको टेस्ट मिल जाएगा। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बन चुके हैं आदित्य एस सामंत बन चुके हैं। तो 83वें कौन बन गए? आदित्य एस सामंत। अब देखो मैं सभी लेकर आया हूँ, पूरी डिटेल देखो इसकी।
भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? केवी प्रणीत बन गए हैं। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? साइंतन दास बने हैं। 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विग्नेश एनआर बन गए। और 79वें ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम बने हैं। और 78वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी बन चुके हैं। ये बढ़िया तरीके से इनको पढ़ लेना, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपके लिए टपक है सकता है। तो 83वां मैंने बता दिया बढ़िया तरीके से। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, इंदौर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की हमारी क्लास। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी। और कल शाम को मैंने 4 बजे आपको पूरे जुलाई मंथ का निचोड़ मैंने आपको करवा दिया है बढ़िया तरीके से। और आज आपको शाम को 4 बजे अपनी क्लास, वही क्लास जो आपको शाम को मिलती है, आज इसके अंदर अपने 22 नंबर सीरीज की बात है करेंगे। तो ये भी आपको कंटिन्यू सीरीज है, लगातार मिल रही है। और इसकी प्लेलिस्ट भी प्रताप क्लासेज यूट्यूब पे जाओगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप सारी सीरीज बढ़िया तरीके से देख सकते हो। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।